हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाही फैमिली में आपका स्वागत है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो ये फ्राइडे की क्लिप है, जिस दिन मैंने सारे पर्दे जो है वो लगवा लिए थे। पेंटिंग के बाद कुछ कुछ काम रह गए थे, तो एक एक करके जैसे मुझे टाइम मिल रहा था और जैसे मुझे कन्वीनियंट हो रहा था स्कूल और घर, तो उस हिसाब से मैं अपना सारा काम जो है वो कंप्लीट कर रही थी। तो पर्दे सारे धुल चुके थे, तो बस मैंने उनको लगवा लिए हैं और यहाँ पर जो है वो मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि मॉर्निंग में सारे काम जो है वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, तो जब मैं स्कूल से लौटती हूँ तब उसके बाद जो है वो सारा क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, और जो रह जाते हैं जैसे कुछ बर्तन रह जाते हैं कभी कभार तो वो कर लेती हूँ, या फिर झाड़ों को पानी देना, डस्टिंग करना, और बच्चों के बुक्स जो बिखर जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बाद बच्चे कभी कभार रख लेते हैं, लेकिन आखिर बच्चे ही हैं, हर बार नहीं रख पाते हैं, तो फिर मैं स्कूल से लौटने के बाद वो सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। आज है सैटरडे 13th मार्च, तो रात को ही मैंने सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया था फ्राइडे के दिन। तो बर्तन वगैरह जो है वो क्लीन कर लिए थे, बस साफ़ सफाई मतलब झाड़ू पोछा वगैरह नहीं कर लिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों ने रात को कैसे घर की हालत कर रखी है। तो बस अभी मैं सुबह में ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से सेट कर लूँगी, क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मैं बनाऊँगी पहले अपने लिए चाय और फिर बच्चों के लिए दूध गर्म कर लूँगी, और फिर मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। आज मैंने नाश्ते में मसाला मैगी बनाई थी हमारे लिए, अयान और हमारे लिए, और रयान और शाहिरा के लिए प्लेन मैगी बनाई थी। उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है क्योंकि मोस्टली जिस मोबाइल से मैं वीडियोस शूट करती हूँ तो उसी मोबाइल पे अयान का जो है वो ऑनलाइन क्लासेस था और उसकी एग्ज़ाम्स चल रही थी, तो बस वो उठ ही गया था और वो तैयारी कर रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएँ। सुबह सुबह ही मैंने लॉन्ड्री का एक लोड लगा दिया था, और अयान के लिए दूध जो है वो गर्म कर लिया है, तो उसको मैं अभी देती हूँ बोनवीटा दूध, तो वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड कर लेगा। यहाँ जो है अयान की और मेरी बातचीत चल रही है, वो अभी अभी उठा है जस्ट, तो मैं पहले अपनी चाय ले लेती हूँ, तो जब तक कि अयान जो है वो भी नहा धोकर रेडी हो जाएगा और फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए उसको तैयारी भी करनी है, तो मैं उसको बोनवीटा दूध दे दूँगी और फिर मैं अपना नाश्ता बनाने की तैयारी कर लूँगी। मसाला मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर फाइनली चॉप कर लिया है, और फिर उसको छोंक कर मैंने मसाला मैगी बना लिया है। साथ ही साथ जो है मैंने लंच के लिए अंडा मसाला बनाना था, तो मैंने उसकी भी तैयारी कर ली है। तो यहाँ करीब 3 से 4 टमाटर रफली चॉप कर लिया है, जिसको ऐड कर दिया है मैंने कुकर में, और साथ ही साथ उसमें ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, करीब 1.5 चम्मच कांदा मसाला, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच मीट मसाला, चिकन मसाला मैंने उसमें ऐड कर दिया है, और 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ऑयल करीब 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और 3 हरी मिर्च ऐड कर दिए हैं, और इसको मैं अभी लिड लगा लूँगी। नमक स्वाद अनुसार ऐड किया है, कोई तड़का नहीं लगाया है, बस सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड कर दी है और डायरेक्टली प्रेशर कुक कर लिया है। तो टमाटर जब तक के अच्छे से गल नहीं जाते हैं तब तक के मैंने इसको प्रेशर कुक कर लिया है। तो ये जो तरीका मैंने बताया है ये इजीएस्ट और कन्वीनियंट वे है मुझे इमरजेंसी में, तो कभी कभार मैं इस तरह से भी अंडा करी बना लेती हूँ।
और अगर आपको मसाला बनाना हो तो ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी ना करें, और करी चाहिए तो आप थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा पानी डालकर आप उसको करी बना सकते हो। तो मेरी नाश्ते की तैयारियां हो चुकी है, और लंच के लिए जो मुझे अंडा करी बनाना है उसका मसाला मैंने बनने के लिए रख दिया है। अयान जो है वो भी रेडी हो चुका है, तो बस अब मैं उसको बोनवीटा दूध दे रही हूँ। तो अभी अयान की ऑनलाइन क्लासेस भी उसी मोबाइल पे चल रही है जिस पर मैं अब शूट लेती हूँ, तो मैं कोई भी शूट नहीं कर पाऊँगी। तो बस जब तक कि उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँगी, नाश्ता बना लूँगी, और फिर उसके बाद जो है जैसे ही उसका क्लास ख़त्म हो जाता है तो मैं भी अपने काम से फ्री हो जाऊँगी और फिर मैं वर्कआउट कर लूँगी थोड़ा सा, जो मैंने पहले भी शेयर किया है। वॉकिंग वर्कआउट है जो कि लेस्ले सैंसोन का है। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा वर्कआउट जो है वो हो चुका है, मैं फ्रेश हो गई हूँ, तो अभी मैं लंच बनाऊँगी। तो ये देखिए सुबह के नाश्ते के बाद के बर्तन जो है वो क्लीन कर दिए हैं, तो बस अभी मैं उनको हटा लूँगी और फिर मैं अभी लंच की तैयारी करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में जीरा राइस और अंडा करी। तो मसाला जो है वो मैंने रेडी कर लिया है, तो बस चावल बनाने के लिए मैंने करीब एक ग्लास जो है वो डेली राइस लिया है, बस उसको वॉश कर लूँगी अच्छे से और फिर उसको एक्स्ट्रा पानी डालकर मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो नमक भी एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि जब मैं पानी ड्रेन करूँगी तो नमक जो है वो निकल जाएगा उसमें से, तो जितना ज़रूरत होगा वो रह जाएगा बस। तो चावल जो है चढ़ा दिया है पकने के लिए, मॉर्निंग में ही मैंने एग जो है वो बॉईल कर लिया था, तो अभी मैं सभी अंडों को पील कर लूँगी और फिर उसको चीरा लगा कर मसाले में जो है वो ऐड कर दूँगी और दोबारा से उसको पकने के लिए रख दूँगी कुछ देर के लिए। और साथ ही साथ चावल जो है वो भी डन हो जाएंगे, तो मैं चावलों को नितार लूँगी और फिर उसको मैं तड़का लगा लूँगी। तो चावल जो है वो अच्छे से पक चुके हैं, तो मैंने उनको बस नितार लिया है पानी जो भी था, और फिर दोबारा से उसको मैं उसी पतीले में डाल दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए उसको दम कर लूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं चावल जो है वो दम हो जाएंगे और अंडा जो है वो मैंने पील कर लिया है, और मॉर्निंग में जो मैंने मसाला रेडी कर लिया था बस उसको ट्रांसफ़र किया है कढ़ाई में। तो अब इसमें मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा पानी, मतलब जितना मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से मैं उसमें पानी ऐड कर दूँगी, और करीब 2 चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है कोकोनट का पाउडर, जो कि भुना हुआ कोकोनट को पीस कर रखा हुआ था उसका पाउडर मैंने ऐड किया है, करीब 1.5 से 2 चम्मच ऐड किया है, और फिर उसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो जब तक करी जो है वो बनती रहेगी तो यहाँ मैं तैयारी कर लेती हूँ जीरा राइस की। तो बस मैंने पतीले को ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरी गैस पे, और यहाँ पर मैंने रख दिया है कढ़ाई, और उसमें मैंने ऐड किया है करीब 1.5 चम्मच ऑयल। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो गर्म होता रहेगा, और चावल जो है वो मैंने उसको अच्छे से खुला कर लिया है। तो करी जो है वो डन हो गई है, तो बड़े सिंपल तरीके से मैंने ये करी बनाई है। तो अब मैं इसमें ऐड करती हूँ हरा धनिया और अंडा, और फिर उसको 5 से 6 मिनट के लिए मैं उसको कम आंच पर दम कर लूँगी। तो ये मेरा अंडा करी रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ जो है तेल गरम हो चुका है, तो मैंने ऐड कर लिया है जीरा और करी लीफ और दो हरी मिर्च मैंने ऐड कर दिए हैं, और उसमें ऐड कर दिया है चावल। तो बस मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। नमक मैंने ऐड नहीं किया है, ऑलरेडी चावल पकाते समय ही मैंने नमक डाल दिया था। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेना है और गार्निश कर लेना है हरे धनिया से, तो ये आपका जीरा राइस तैयार हो जाएगा। तो लंच के लिए मेरा जीरा राइस और अंडा करी तैयार है। तो साथ में पापड़ जो है वो मैंने भून लिया है, और फिर बच्चों को चपाती चाहिए होता है तो बस मैंने चपाती नहीं बनाई है, तो बस उसके कॉम्पेंसेट में मैंने ब्रेड जो है वो मंगवा लिया है। तो लंच जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, बस मैं तैयारियां कर रही हूँ सर्विंग की, और हम सभी जो है वो अपना लंच कर लेंगे। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, और कॉमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना ना भूलें।